साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज तक आपने सुना होगा कि दुल्हनें घर की मर्यादा को बरकरार रखती हैं, लेकिन इस कलयुग के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। अब दुल्हनों ने शादी के नाम पर कारोबार करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ हुआ है फर्रुखाबाद में। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शादी का झांसा देकर लाखों के उड़ाए जेवरात। शादी के नाम पर ठगी करते थे शातिर लोग। पुलिस ने किया गिरोह का भांडाफोड़। लुटेरी दुल्हन समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार। शादियों में आप सब लोगों ने नाच गाना तो देखा होगा, लेकिन फर्रुखाबाद में कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शादी की आड़ में लूटपाट का धंधा चलाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर, जो सुनने में एकदम अजीब लगेगा। जी हाँ, शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 दलाल और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है, जो इस नकली शादी के गिरोह में शामिल है। पकड़े जाने पर नकली दुल्हने रोने का झूठा नाटक कर दिया। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में पिछले माह में एक शादी के नाम पर ठगी की वारदात हुई थी, जिसमें विनोद पुत्र मनसा राम ने थाना कमालगंज पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनसे शादी के नाम पर एक व्यक्ति ने करीब 1.5 लाख रुपए ले लिए, और साथ ही जिससे शादी कराई थी वह दुल्हन भी शादी के उपरांत उनके घर से करीब 50,000 नकद एवं 1,70,000 रुपए के जो जेवरात थे वो लेकर भाग गई है। पुलिस ने उक्त मामले में अभियोग पंजीकृत किया, और साथ ही थाना कमालगंज पुलिस के द्वारा उस पूरे जो ठगी का ग्रोह है उसका भंडाफोड़ किया है। और आज उसके 5 सदस्य, जिसमें 3 दलाल और 2 महिलाएं शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया है। उनको सुसंगत धाराओं में जेल भेजकर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बीते दिनों कमालगंज थाने में लुटेरी दुल्हन के खिलाफ पीड़ित पति ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे शादी के 2 दिन के अंदर ही लुटेरी दुल्हन लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर चंपत हो गई थी। आपको बता दें कि पीड़ित पति का नाम विनोद बताया जा रहा है। विनोद के ही गांव के एक शख्स ने उसकी शादी लुटेरी दुल्हनों में से शामिल रूबी से करने को कहा, तो विनोद ने बिना जांचे परखे ही हाँ बोल दिया और बिचौलिया अशोक की हर बात मानकर इस शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि विनोद की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उम्र बढ़ती जा रही थी। उसके बाद अशोक ने भोले शुक्ला और मोनू सिंह से विनोद को मिलवाया, जिन्होंने विनोद को बताया कि रूबी की मौसी सुषमा है, जिनकी मदद से शादी होगी। उससे पहले तुम्हें 1.5 लाख रुपए देने होंगे। विनोद ने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लालच में अपने खेत को 1.5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया। मेरे तक दादी कराई थी। किसने? अशोक दीक्षित। हाँ, फिर इनने दादी कराई पहली तारीख को। जी, इतवार की रात में। हाँ जी, वापस उसको लिवा ला मेरे घर से। अशोक दीक्षित और मोनू और जो खुशबू थी, 5-6 बंदे जाकर रात में निकाल ग्रुप चलाते हैं और रुपए को लेकर 1 जुलाई को सुषमा और रूबी को दे दिए। उसी दिन विनोद और रूबी की शादी हो गई और 3 जुलाई की रात रूबी विनोद के घर से 50,000 की नकदी और 1.5 लाख की कीमत के जेवरात के साथ मोबाइल फोन लेकर रफू चक्कर हो गई। सुबह नकदी जेवरात गायब देखकर विनोद हक्का पक्का रह गया। इन लोगों ने जो अशोक दीक्षित है, ये रहने वाले हैं धान मंडी के, इन्होंने इन भैया से इनका संपर्क था, तो इन्होंने धीरे धीरे इनसे संपर्क बना के फिर इन्होंने बोला कि हमारी शादी आदि हो जुगाड़ लगाओ कहीं से, तो इनने कहा ठीक है हम आपकी शादी करवाएंगे। इन लोगों ने 1,30,000 रुपए लिए भैया से, 1,30,000 रुपए लेने के बाद नकद रुपए भी ले लिए। उसके बाद में शादी कराई। इनका ये ग्रुप वाला धंधा है। इन्होंने 2 दिन बोल लड़की रुकी, 3rd दिन वहां से चली आई। जब तक विनोद को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, तब तक उसका सब कुछ लूट कर फरेबी रूबी फरार हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक ये गिरोह लोगों को शादी के झांसे में फंसाकर ठगी करते हैं।
वहीं विनोद इस वारदात के बाद अशोक को घर जाकर शिकायत करता है तो अशोक विनोद को गाली देकर भगा देता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। इस वाक्य से परेशान विनोद ने थाने में जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो युवतियों समेत 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक ऐसा गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें जो लुटेरी दुल्हन है वो पैसे लेके फरार हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे पूरा वाक्य वो थाना कमालगंज क्षेत्र का है, जहां के एक ग्राम कढ़र के निवासी विनोद के द्वारा बीते दिनों 6 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी शादी 1 तारीख को हुई थी और उनकी जो पत्नी है रूबी, वह 50,000 रुपए की नकदी व लगभग 1,70,000 रुपए की जेवरात व एक उनका मोबाइल फोन लेके फरार हो गई है। साथ ही उन्होंने दर्ज कराई गई तहरीर में यह भी कहा कि उनके जो शादी कराई गई थी, उस शादी कराने के लिए भी लगभग 1.5 लाख रुपए की जो नकदी ली गई थी। वहीं इस मामले में अब पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 युवतियां बाद 3 युवक भी हैं। वहीं मामले की मिली जानकारी के अनुसार जो एक गिरोह है वो एक बहुत ही सातराना अंदाज से ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो उम्र दराज है, उनकी शादी नहीं हो पाती थी, उनको शादी का झांसा देकर उनसे पहले रुपए लेते थे, जिसके बाद शादी होने हो जाने के बाद जो उनकी जो पत्नी होती थी वो 1-2 दिन के अंदर ही घर से रफू चक्कर हो जाती थी और नगरी पर भी हाथ साफ कर जाती थी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्राइम टीवी के लिए फरुख आवाज से सुंदरम सिंह। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।